Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अत्यधिक कलांत होने के कारण स्वामी का लक्ष्य भी चूक रहा है। कहीं वो दुष्ट हैग्रीव ने स्वामी की इस दशा का लाभ उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो श्रीहरि नारायण और वासुर हैग्रीव दोनों ही युद्ध करते करते क्लांत हो चुके हैं। स्वामी, इस प्रकार कलांत कैसे हो सकते हैं? आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? बहुत थकान हो रही है मुझे। अब तो इन पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाना भी कठिन हो गया है, किंतु वार तो करना ही होगा। युद्ध को आरंभ हुए तो 60 वर्ष बीत चुके हैं। कब होगा इस युद्ध का अंत? हे माताओं की माता, माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु। कदाचित दैत्य हैग्रीव को प्राप्त वरदान के कारण ही वो अभी तक सुरक्षित है। रुकिए नारायण, थक गए हैं आप। कदाचित आपको युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है, तो जाइए। आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने। जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे। इसी बहाने मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण इस दुष्ट से युद्ध करते करते थक गए, किंतु आश्चर्य है प्रभु स्वयं इसे पराजित करने में असमर्थ हैं। फिर कौन करेगा इसका वध और कैसे होगी सृष्टि की रक्षा? समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता, माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण। सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकाज देवकाज समुद्धता नकदीधति संचिन्न नगजन तमोगुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, पर आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इसी घटना से संसार का भविष्य निर्धारित होगा। स्वामी की ये ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही कि बार बार किस प्रकार की अनहोनी का आभास हो रहा है मुझे।
तुम्हारे नाम जो मेरे मुख से निकला था। हे माता पराशक्ति, आपने ही तो कहा था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ऐसा क्या कारण छिपा है माँ? हाँ, प्रत्येक घटना के पीछे एक बड़ा कारण अवश्य होता है, जिसका रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। इसीलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि आज के दिवस के लिए ही आपके मुख पर वो श्राप प्रकट हुआ था। और जैसे मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था, संसार की प्रत्येक घटना के पीछे मेरी ही लीला होती है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो भविष्य में होगा, वो सब मेरी इच्छा के ही अनुसार होता है। और आज की इस घटना का कारण है कि हैग्रीव का वध मात्र हैग्रीव के हाथों ही हो सकता है, और इसी कारणवश नारायण का शीश उनके धड़ से विलग हुआ है। ब्रह्मदेव, अब इसके आगे का कार्य आपको करना है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक नील वर्ण का अश्व दिखाई देगा, जो अब अस्वस्थ होने के कारण मरणासन अवस्था में है। उसका शीश लाकर आपको नारायण के धड़ से उसका जुड़ाव करना होगा। तभी दैत्य हैग्रीव का वध करने के लिए दिव्य हैग्रीव उत्पन्न होगा। और जब वो अपने सिंहासन पर स्थित होकर दैत्य हैग्रीव गहरी निद्रा में लीन होकर विश्राम कर रहा था, तब माता पराशक्ति की आज्ञा अनुसार ब्रह्मदेव नील अश्व के शीश के साथ वहां लौट आए, और शेष कार्य अश्विनी कुमार और धनवंतरी ने संपन्न किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे।
माता पराशक्ति। प्रभु हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव की जय। हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव। प्रभु हैग्रीव अर्थात मेरी जय जयकार। कदाचित नारायण ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली और देवता भी हो गए लाचार। क्या है वहां जिसका इतना भीषण स्वर है? वो मेरी जय जयकार नहीं, इनकी थी। ये है प्रभु हैग्रीव। नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये छल है। कैसे अपनी रक्षा करूं? अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। किंतु अभी वेद तो मेरे भीतर ही समाहित है, तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहा हूं मैं? सुरक्षित रहूंगा मैं, कोई वध नहीं कर सकता मेरा। ये कैसा परिहास है आपका नारायण? आपको क्या लगा आप हैग्रीव का वध करने हेतु हैग्रीव का रूप धारण कर युद्ध करेंगे तो इसमें सफल हो जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। कदाचित भूल रहे हैं आप कि अपने वरदान के साथ वेदों की शक्ति भी प्राप्त है मुझे। वेदों की शक्तियाँ तो उन्हीं का साथ देती है जो धर्म कार्य में उसका प्रयोग करते हैं। तुम्हारे समान अधर्मी दैत्य वेदों को अपने भीतर अवश्य समाहित कर सकते हैं, किंतु उनकी शक्ति उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। को खंडित कर दिया इनके चक्र ने और अब तो ये मेरी ही ओर बढ़ रहा है। अभी भी प्रभु श्रीहरि नारायण के चक्र प्रहार से स्वयं को सुरक्षित कैसे कर रखा है इस दुष्ट ने? अब इस दुष्ट की अंत का समय आ गया है। हाँ।
युद्ध शक्ति से संपन्न हूँ मैं, मुझे कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। अभी भी अपने उसी भ्रम से भ्रमित हो मूर्ख। सुनो, जिस प्रकार अपवित्र जल से भरा कमंडल वर्षा के पवित्र जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम्हारा पवित्र मन न वेद की पवित्रता को प्राप्त कर सका, न ही उसकी शक्तियों को, और अब तुम्हारा अंत निश्चित। प्रभु श्री हरि नारायण ने प्रभु हयग्रीव अवतार लेकर अज्ञानता रूपी दैत्य हयग्रीव से वेदों को मुक्त कराया और ज्ञान रूपी प्रकाश को सृष्टि पर लौटाया। इसीलिए आज से संसार उनकी पूजा बुद्धि और ज्ञान के भगवान के रूप में भी करेगा। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रभु हयग्रीव की जय। प्रभु हयग्रीव की जय। प्रभु हयग्रीव की जय। आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। अर्थात हम उन सर्वोच्च देव ज्ञान और पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु हयग्रीव ध्यान और आराधना करते हैं, जिनका मुख और कंठ अश्व का है और जो एक निर्मल स्फटिक के समान तेजोमय और जो ज्ञान की सभी विधाओं के स्वामी। प्रभु हयग्रीव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, तो मैं उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर भी बड़ी सहजता से अवश्य ज्ञात कर लूंगा। बुराई की अवधि लंबी अवश्य हो सकती है, किंतु एक निश्चित समय आने पर बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है।